प्रोजेक्ट के, व्हाट इज प्रोजेक्ट के, प्रभास की अपकमिंग मूवी प्रोजेक्ट के, जिसका नाम बदलकर कल्कि 2898 रख दिया गया है, उसका एक छोटा सा डेढ़ मिनट का ग्लिम्स आया है एंड इट वाज एक्चुअली सो नाइस। एंड इफ यू डोंट नो, ये मैथोलॉजिकल साइंस फिक्शन एंड फैंटेसी मूवी होने वाली है, विच मीन्स हमें हिंदू मैथोलॉजी को एडवांस टेक्नोलॉजी से मर्ज करके एक नए वे में दिखाया जाएगा, जैसा कि हमें नॉर्स मैथोलॉजी देखने को मिला है एमसीयू एंड डीसी में, कुछ कुछ उसी टाइप का, और वो इसका नाम से ही पता चलता है, कल्कि, जो कि ऐसा माना जाता है कि जब पृथ्वी पर कलयुग अपने चरम सीमा पर होगी तो भगवान विष्णु कल्कि के अवतार में आएंगे और पृथ्वी को कलयुग के प्रकोप से मुक्त करेंगे। और अगर तुम इस टीचर को देखोगे तो इसमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है, जहाँ हैवानियत अपनी चरम सीमा पर जा चुकी है, भगवान में अब ज्यादा लोगों को विश्वास नहीं रहा, पीने के लिए पानी तक नहीं मिल रहा लोगों को, पूरी धरती बंजर बन चुकी है और जो शक्तिशाली है वो दूसरों पे कब्जा कर रहे हैं और उन्हें लूट रहे हैं, एंड देन देयर कम्स अ सेवियर जो इन सबको बचाएगा। बेसिक प्लॉट तो यही होने वाली है। और इस ग्लिम्स में हमें हिंदू गॉड्स लाइक बजरंगबली एंड भगवान शिव का भी ग्लिम्स देखने को मिलता है, जहाँ बजरंगबली एज अ होप एंड पावर को सिंबलाइज कर रहे हैं, और वहीं शिव जी का मंदिर काफी रहस्यनात्मक लग रहा है, जहाँ अगर देखे तो मंदिर काफी खस्ती हालत में लग रही है, इसके पिलर्स टूटे हुए हैं, यहाँ रखी हुई मूर्तियां भी टूटी हुई हैं, और यहाँ कुछ ऐसा चीज है जो सबको चाहिए, जिसे शायद दुनिया की वजह में हो सकती है या फिर जिसे मिलेगा वो बहुत शक्तिशाली हो जाएगा, ऐसा है कुछ वगैरह वगैरह, क्योंकि ये ब्लैक पैंथर सब दिखने वाला रोबोट कुछ तो खोज रहा है। और इसके ठीक अगले ही सीन में हमें देखने को मिलता है कि ये मंदिर सही सलामत है और इसके सेवियर है अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर, मतलब इस मंदिर में जो भी कुछ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी का रक्षक है अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर, और ये कैरेक्टर एक सुपर ह्यूमन होने वाला है जिसके पास शायद डिवाइनिक पावर भी होंगी। और हाँ, इसमें अमिताभ बच्चन को कैमियो टाइप का रोल नहीं होने वाला है, ये फुल लेंथ रोल होगा इनका जो कि पूरे मूवी में दिखेंगे। और अगर दीपिका पादुकोण की बात करें तो शायद उनका कैरेक्टर एक एजेंट होने वाला है जो कि बचपन से ट्रेंड है, ब्लैक विडोज टाइप का कुछ, एंड पता नहीं क्यों बट उनका कैरेक्टर काफी कंफ्यूज्ड लग रहा है, जो मुझे इस निष्कर्ष पे पहुंचाती है कि हो सकता है स्टार्टिंग में इनका कैरेक्टर विलेंस के लिए काम करे एंड देन स्लोली स्लोली एज अ मूवी इंप्रूव इनका कैरेक्टर एक पॉजिटिव कैरेक्टर में चेंज हो जाएगा। और अगर प्रभास की बात करें तो मोस्ट प्रोबेबली वो शायद भगवान विष्णु को प्ले करेंगे, नॉट डायरेक्टली बट तुम इसे मेटाफोरिकली कह सकते हो, क्योंकि दिस इज द स्टोरी ऑफ समथिंग लाइक एंड ऑफ कलयुग एंड ही विल बी लाइक कल्कि, सो मेटाफोरिकली ही इज द अवतार ऑफ विष्णु। एंड इस ग्लिम्स से यही पता चल रहा है कि इनके साथ अपनी एक ग्रुप होगी जिनमें सारे के सारे लोग फाइटर्स ही होंगे, रॉबिनहुड टाइप, जो मजबूरों की रक्षा करेंगे और सहायता करेंगे। और अब इस बारे में बात करेंगे कि क्या ये मूवी डीन मूवी से सिमिलर है, क्योंकि देखने में तो दोनों काफी सिमिलर लग रहा है। तो भाई मैं पहले ही बता दूं, नहीं, बिल्कुल नहीं, दोनों मूवी का बस टोन सेम है, क्योंकि दोनों ही मूवी काफी ज्यादा फ्यूचर में टेक प्लेस करती है एंड दोनों ही मूवीज में काफी ज्यादा हाईटेक वेपन्स एंड व्हीकल्स वगैरह देखने को मिलते हैं। हाँ, तुम्हें प्रोजेक्ट के में हाईटेक वेपन्स एंड व्हीकल्स वगैरह देखने को मिलेंगे, और इसके लिए मेकर्स ने आनंद महिंद्रा से मदद मांगी है ताकि ये लोग फ्यूचरिस्टिक वेपन्स एंड व्हीकल्स डिजाइन कर सकें। और भाई इसका बजट होने वाला ऑलमोस्ट 600 करोड़, और ऐसा कास्टिंग रूमर है कि इसमें सूर्या भी दिखेंगे किसी रोल में। और हालांकि ये टीजर तो काफी अच्छा है बट इसमें कुछ कमियां भी हैं, लाइक VFX, इसका VFX अभी उतना अप टू द मार्क नहीं है, और इन कबीलों वालों का कॉस्ट्यूम अच्छा सा डिजाइन नहीं है, मतलब इनका कॉस्ट्यूम काफी चीप लग रहा है यार, सही बता रहा हूं मैं। इवन इनका वेपन्स भी काफी चाइल्डिश लगता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि इन्होंने अभी इस पर अच्छा से VFX वर्क किया नहीं है। खैर, उसके लिए तो अभी टाइम है क्योंकि ये मूवी 2024 में आएगी, बस डर इसी बात का है कि जो हाल आदि पुरुष का हुआ कहीं इसका न कर दें ये लोग, तो भाई फिर अच्छी खासी थॉट का सत्यानाश हो जाएगा, क्योंकि इनका सोच तो सही है, बस VFX के कारण फिर से इन सब पे पानी न फिर जाए। ओके देन, दैट्स ऑल फॉर टुडे, अगर तुम्हें वीडियो पसंद है तो लाइक करो, और तुम्हारा इस टीजर को लेकर क्या कहना है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो डू सब्सक्राइब, तुम्हें ऐसे ही वीडियोस और देखने को मिलते रहेंगे। ओके देन, टिल द नेक्स्ट वीडियो, बी हैप्पी, बी सेक्सी एंड कीप वाचिंग सीके सिनेमैटिक यूनिवर्स।